नोटबैन के फैसले को आए लगभग एक महीना पूरा हो गया। 16 नवंबर को शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र के इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्ष ने सरकार पर एक बार फिर जल्दबाजी में नोटबैन के फैसले को लागू करने का आरोप लगाया। सरकार ने कहा कि विपक्ष सिर्फ टीवी के लिए हंगामा कर रही है। सुबह राम रेड्डी जी ने सवाल पूछा था, उसमें कहा है कि बैंकों में पूरा पैसा है। अगर बैंकों में पैसा है तो ये लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? फिर एटीएम्स में पैसा क्यों नहीं है? क्यों है? जो उत्तर उन्होंने दिया है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। किसी ना किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। जो चर्चा अधूरी है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूँ कि उस चर्चा को तुरंत आरंभ किया जाए। कि सरकार लोकसभा में क्यों भाग रहे हैं चर्चा से, वोटिंग से क्यों भाग रहे हैं, इसके जवाब पहले दे, उसके बाद विरोधी जवाब। 15 दिन का जो ये एकदम हाउस में कुछ नहीं हुआ, ये कोई अच्छा संदेश विपक्ष के लिए नहीं है। मैं तो इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने सांसदों से कहा कि वो चुनाव प्रचार की तरह नोटबंदी, डिजिटाइजेशन, कैशलेस सिस्टम का प्रचार करें। पीएम ने सांसदों से कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वो खुद राज्यसभा में गए थे, वहां उनके खिलाफ विपक्ष ने नारे लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि वो हंगामे के बावजूद सदन में बैठे रहे, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागता रहा।